तो दोस्तों फाइनली MIUI 12.5 की ग्लोबली बीटा टेस्टिंग फोरम ओपन हो गई है। इसका ये मतलब है कि अब आप ग्लोबली MIUI 12.5 का बीटा टेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं इसकी पूरी फुल डिटेल आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे क्या करना होगा एक बीटा टेस्टर बनने के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। और साथ में भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो MIUI 12.5 की ग्लोबली बीटा टेस्टिंग की फॉरम ओपन हो गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मी कम्युनिटी के वेबसाइट पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। तो बट दोस्तों इंडिया में तो मी कम्युनिटी बैन है, तो उसके लिए आपको एक VPN डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई भी VPN डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में बहुत सारे VPN फ्री में अवेलेबल हैं। आप VPN डाउनलोड करिए, कनेक्ट करिए, यूरोप का कोई कंट्री सेलेक्ट करिए, आपका VPN जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि MIUI 12.5 की ग्लोबली बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप अगर बीटा टेस्टिंग करना चाहते हो, बीटा टेस्टर बनना चाहते हो, तो आपको 1 मार्च तक का टाइम मिलता है। 1 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई का भी बटन दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। वहाँ से आपको कुछ सिंपल प्रोसेस फॉलो करने हैं जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें दोस्तों आपका मी अकाउंट का जो मी आईडी होता है वो लगेगा, उसके बाद आपके फ़ोन का IMEI नंबर लगेगा। ये डालने के बाद आपकी एज वगैरह पूछेंगे कि आप 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से कम हो। फिर उसके बाद रीज़न, मतलब आप किस कंट्री में हो, आपका डिवाइस कौन सा है, कौन से कंपनी का, मतलब रेडमी, पोको या शाओमी किस कंपनी का है, उसके बाद कौन सा फ़ोन है, आप सब सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप सक्सेसफुली अप्लाई कर लोगे। तो बहुत ही ईजी है अप्लाई करना, आप अप्लाई कर सकते हो। 1 मार्च का टाइम है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप भी चाहते हो कि आप भी बीटा टेस्टर बनो अपने फ़ोन का, जो भी आप फ़ोन यूज़ करो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स हुआ, रेडमी नोट 8 हुआ, जो भी हुआ, उस फ़ोन के लिए आप बीटा टेस्टर बनना चाहते हो, तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करो, जाओ प्रोसेस फॉलो करो और अप्लाई कर दो। बट दोस्तों जब भी आप अप्लाई करने तक सब ठीक है, आप ध्यान से केयरफुली सब कुछ डिटेल फिल करना। उसके बाद जब भी आपके फ़ोन में ये अपडेट आता है बीटा टेस्टिंग का, आप जब भी डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल करने जा रहे हो, उसके पहले आप सारे बैकअप ले लेना, अपने फ़ोन के जितने भी ज़रूरी फाइल्स वगैरह हैं सब बैकअप ले लेना। क्योंकि इस अपडेट के बाद क्या पता आपका वो सारा कुछ डिलीट हो जाए, और फिर डिलीट हो जाएगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका बीटा टेस्टिंग वर्जन रहेगा MIUI 12.5 का। तो इसमें बहुत सारे बग रहेंगे, वही बग आपको यूज़ करना है, फिर वही आपको फीडबैक देना है, सब आपको बताना है, सब कुछ आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या मतलब अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब आप वो फीडबैक में बताओगे। तो ये चीज़ होता है बीटा टेस्टिंग में। तो भाई मुझे तो काफ़ी सही लगा। अब बात करते हैं MIUI 12.5 कब आएगा। तो भाई बीटा टेस्टिंग तो स्टार्ट होने वाली है, तो इसका मतलब 1.5 महीने 2 महीने तक बीटा टेस्टिंग चलेगी। तो मार्च में मान लीजिए ये क्लोज हो रहा है, मतलब अप्लाई करने का, उसके बाद से बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी तो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक बीटा टेस्टिंग होगी 2 महीने। उसके बाद मई जून के आसपास हमें MIUI 12.5 अपडेट अपने फ़ोन में देखने को मिल सकता है। तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई ये एकदम श्योर नहीं कि उसी टाइम मिलेगा, हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए या हो सकता है और डिले हो जाए। लेकिन अब आप लोग इतना जान जाओ कि ये बहुत जल्दी अब आने वाला है, 2-3 महीने में हमें MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको इंटरेस्ट है तो आप जाओ इस लिंक पे क्लिक करो और फटाफट अपना बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई करो और डाउनलोड करके एंजॉय करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।